गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ क्लास 9 सोशल साइंस. माई सेल्फ मोना यादव. एज यू ऑल नो, आवर फर्स्ट चैप्टर इज कम्प्लीट एंड टूडे वी विल स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी विच इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया चैप्टर 2. ओके, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. बट फर्स्ट ऑफ ऑल I am going to introduce about this chapter. You have already learnt earlier that India is a vast country with varied landforms. आप सभी जानते हैं कि जो भारत है एक बड़ा देश है with varied landforms, जहां पे बहुत सारे different type के landforms हैं. What kind of terrain do you live in? और उन्हीं में से कोई एक landform ऐसा भी है जिस जहां पे आप रहते हैं. If you live in the plains like that, you are familiar with the vast strategy of the प्लेन लैंड. अगर आप प्लेन लैंड पे रहते हो तो ऑब्वियसली आप अपने आसपास प्लेन लैंड या फ्लैट लैंड देखते होंगे. एंड इट इन कॉन्ट्रास्ट इफ यू लिव इन हिली रीजन, अगर आप पहाड़ी इलाकों में रहते हो, द रिज टेरेन विद माउंटेन्स एंड वैलीज आर कॉमन फीचर्स. तो आप ऑब्वियसली अपने आसपास क्या देखते हैं, माउंटेन्स एटसेट्रा. ओके, माउंटेन्स एंड वैलीज आर कॉमन फीचर्स. इनफैक्ट आवर कंट्री हैज प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ. मीन्स पूरे वर्ल्ड में जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं तो वो सभी लैंडफॉर्म्स हमारे कंट्री में भी प्रैक्टिकली ऑल मेजर फीचर्स जो है, फिजिकल फीचर्स जो है वो हमारी अर्थ पे भी है. माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स. यू मस्ट बी वंडरिंग, लेकिन आप इस चीज को सोच के वंडर होगे कि हाउ दीज फिजिकल फीचर्स हैव बीन फॉर्म्ड, कि ये सभी जो फिजिकल फीचर्स हैं ये कैसे फॉर्म हुए. वी विल लर्न मोर अबाउट मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड हाउ दे हैव बीन फॉर्म. मीन्स हम इसमें पढ़ेंगे कि सभी जो मेजर फिजिकल फीचर्स वो कौन से हैं और हाउ दे हैव बीन फॉर्म्ड और वो किस तरह से फॉर्म हुए. वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स लाइक दैट. फॉर एग्जाम्पल, हम अलग अलग तरह की चट्टानों को, अलग अलग तरह की रॉक्स को देखते हैं. सम आर वेरी हार्ड, बहुत कुछ चट्टाने ऐसी होती है, कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, लाइक मार्बल विच हैज बीन यूज्ड फॉर मेकिंग ताजमहल. जैसे कि मार्बल जिसका यूज हम कहाँ करते हैं, ताजमहल वगैरह बनवाने में. मीन्स हार्ड रॉक्स फॉर एग्जांपल है ये. एंड सम आर वेरी सॉफ्ट लाइक सोप स्टोन विच इज यूज्ड इन मेकिंग टेलकम पाउडर. और कुछ रॉक्स जो है वो बहुत सॉफ्ट होती हैं जिनका यूज हम टेलकम पाउडर बनाने में करते हैं. द कलर ऑफ सोइल वेरीज, और डिफरेंट प्लेसेस पे जो कलर्स ऑफ सोइल है वो भी वेरिएशन होता है उनमें भी, बिकॉज द सोइल इज फॉर्म्ड आउट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. क्योंकि जो सोइल है वो अलग अलग टाइप्स की रॉक से बनी हुई होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें कि इंडिया के नॉर्थ में, तो वहां की जो सोइल है वो डिफरेंट टाइप के रॉक से बनी है. अगर हम देखें, इफ यू टॉक अबाउट द साउदर्न पार्ट ऑफ अवर इंडिया, देन वहां की जो सोइल है वो डिफरेंट टाइप की रॉक से बनी है. हैव यू एवर थॉट अबाउट द causes of these variations? क्या आपने कभी सोचा है कि ये इतने सारे variations जो हैं, इनके causes, इनके कारण क्या है? Most of these variations are caused due to differences in rock formations. बहुत सारे जो variations हैं, mainly ये किसकी वजह से हैं? Differences in rock formations. जो rock formations हैं, जो rocks बनती हैं, उनकी formations की वजह से है. India is a large landmass. भारत एक जो है बड़ा लैंडमास है, फॉर्म्ड ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स विच हैज इन्फ्लुएंस्ड हर रिलीफ. और अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड्स जो है उनसे जो इन्फ्लुएंस करते हैं उसके रिलीफ को. रिलीफ मीन्स कि हम देखते हैं कि कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे फ्लैट लैंड है, कहीं पे कोई गड्ढा है. ये सब क्या है, डिफरेंट जो वेरिएशंस है लैंडमासेस में या लैंडफॉर्म्स में, वो एक तरह से रिलीफ कहलाता है. मींस कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है. ओके, एंड बिसाइड्स जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, इसके अलावा भी, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस के अलावा भी, इन नंबर ऑफ प्रोसेसेस, कुछ प्रोसेस हैं सच एज वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन हैव क्रिएटेड, अंडरलाइन इट, वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशंस have created and modify the relief to its present form. मैंने आपको बताया अभी कुछ other process like that weathering. Weathering means rock particles, means rocks का छोटे छोटे particles में टूटना. Weathered rocks means completely वो बड़े rocks हैं, और sorry unweathered rocks हैं वो,
और जो वेदर रॉक्स है वो क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गए हैं, मीन्स वो वेदरिंग प्रोसेस है. इरोजन मीन्स किसी भी तरह का कटाव या बहाव, लाइक दैट विंड इरोजन, सॉयल इरोजन, जैसे तेज पानी के बहने से मिट्टी भी उसके साथ में बह रही है, तेज हवा चलने से मिट्टी बह रही उसके साथ, हवा के साथ उड़ रही है. एंड डिपोजिशन मीन्स कलेक्शन हैव क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड द रिलीफ टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म. और डिपोजिशन मीन्स कलेक्शन, जैसे कि नदियां जो है अपने साथ कुछ डिपोजिट्स बहा के लाती हैं तेज बहाव के साथ, उसी को हम क्या कहते हैं डिपोजिशन, मीन्स किसी कंकड़ मिट्टी का उसका कलेक्ट होना. हैव क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड द रिलीफ टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म. और इन्हीं सब प्रोसेस की वजह से, इन सब मूवमेंट्स की वजह से ही जो प्रेजेंट फॉर्म में हम देख रहे हैं रिलीफ को, वो मॉडिफाई हुआ है पहले एंशियंट टाइम्स की उससे. अर्थ साइंटिस्ट हैव अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरीज. तो जो साइंटिस्ट है वो एक्सप्लेन करते हैं जो फिजिकल फीचर की फॉर्मेशन है उसको विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरीज. किसकी सहायता से? कुछ थ्योरी की सहायता से. ऑन सर्टेन एविडेंसेस मीन्स कुछ सबूतों के आधार पर. वन सच प्लेजिबल थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थ्योरी. थ्योरी इज थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द क्रस्ट मीन्स अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ सेवन मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारी अर्थ क्रस्ट है वो सेवन मेजर प्लेट्स और सम माइनर प्लेट्स और कुछ छोटी प्लेट्स से बनी हुई है. एंड द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स रिजल्ट्स इन द बिल्डिंग अप ऑफ द स्ट्रेसेस विद द प्लेट्स एंड द कॉन्टिनेंटल रॉक्स अबोव लीडिंग टू फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्कनिक एक्टिविटी. मीन्स जब इन प्लेट्स में मूवमेंट होता है तो उसके रिजल्ट से हम इस तरह की एक्टिविटीज जो है कॉन्टिनेंटल रॉक्स पे देख सकते हैं. कॉन्टिनेंटल रॉक्स मीन्स द कॉन्टिनेंटल एरियाज, मीन्स अर्थ सरफेस. ओके, फॉल्टिंग, फॉल्डिंग, वॉल्कनिक एक्टिविटीज. ब्रॉडली दीज प्लेट मूवमेंट्स आर क्लासिफाइड इन टू थ्री टाइप्स. जो प्लेट मूवमेंट्स हैं इनको हम थ्री टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. नंबर फर्स्ट इज कन्वर्जेंट बाउंड्री. ओके, लेट्स कंसीडर, दिस इज फर्स्ट प्लेट एंड दिस इज द सेकंड प्लेट. व्हाइल सम प्लेट्स, व्हाइल दीज प्लेट्स कम टुवर्ड्स ईच अदर. जब ये प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आ रही है, एक दूसरे के नजदीक आ रही है, तब कौन सी बाउंड्री फॉर्म होती है? कन्वर्जेंट बाउंड्री. देन फॉर्म कन्वर्जेंट बाउंड्री. सम प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. दिस इज द फर्स्ट प्लेट एंड दिस इज द सेकेंड प्लेट. दीज प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, मीन्स ये दोनों प्लेट्स अगर एक दूसरे से दूर जा रही है, मूव अवे, एक दूसरे के अपोजिट जा रही है, दूर जा रही है, तो ये क्या है? फॉर्म डाइवर्जेंट बाउंड्री. तो यहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्री फॉर्म होगी. एंड द थर्ड इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. दिस इज द फर्स्ट प्लेट एंड दिस इज द सेकेंड प्लेट. एंड at times they also move horizontally past each other. Means transform boundary में ना तो ये एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, जैसे एक दूसरे से सटी हुई हैं plates, but ना एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं, ना एक दूसरे से opposite दूर जा रही हैं, बल्कि ये उल्टा means horizontally move कर रही हैं. जैसे ये plate ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है. Then we have read about three type of boundaries. The first is convergent boundary, the second is divergent boundary, and third is transform boundary. Okay. The movement of these plates have changed the position and size of the continents over million of years. अब अगर हम बात करें, if we talk about the movement of the plates, तो ये at the spot किसी अचानक, मतलब एक ही टाइम पे या दो चार मिनट में, इस तरह से ये मूवमेंट्स जो है नहीं हो सकते हैं. इनको चेंज होने में या कि कोई पोजीशन गेन करने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं. सच मूवमेंट्स हैव आल्सो इन्फ्लुएंस्ड द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर्स ऑफ इंडिया. और इसी तरह के मूवमेंट्स ने इन्फ्लुएंस किया है द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट लैंडफॉर्म. जो हम लैंडफॉर्म प्रेजेंट में देख रहे हैं, जो फीचर्स हम प्रेजेंट में देख रहे हैं इंडिया की, वो इन्हीं प्लेट मूवमेंट्स के कारण है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. नाउ वी विल डिस्कस द रिमेनिंग चैप्टर टुमोरो. ओके, थैंक यू.